सुकरानो, दिस वन सुकरानो हाथो। ये देखें जी लोग, साड़ी फ्री डे स्टार्ट हो चुका है, नज़र आएगी। देखें जी, देख रहे हैं कितनी आवाम है जी, लोग ही लोग। आप मेरी फ्रेंड ने मुझे फारिग करा के इस रैली में घुस चुकी है, तो लोग तो जनाब नहीं रुकते हैं, लेकिन आपका भाई इस टाइम रुक चुका है। और अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सुबह के 6:30 बजे हैं, गुड मॉर्निंग इंडोनेशिया। और इस टाइम भी आप, आज आपका भाई जा रहा है जी कार फ्री डे पे, और ये जी सेंट्रल जकार्ता में होता है कार फ्री डे। का इधर सीन ये है कि हर संडे को होता है कार फ्री डे, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। और उसमें ये होता है कि जितनी भी कार गाड़ियाँ वगैरह सड़कों पर मोटरसाइकिलें वो सब जी बंद कर दी जाती हैं, यानी कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको पूरे सेंट्रल जकार्ता में किसी किस्म की कोई कार, कोई क्या कहते हैं मोटर बाइक आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ लोग नज़र आएंगे वॉक करते हैं। तो ये एक हेयर पोल्यूशन को रोकने के लिए ये चीज़ की जाती है, और वैसे भी एक क्या कहते हैं, एक क्या नाम है उसका, एक क्या कहते हैं वॉक को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ की जाती है, सेहत को प्रमोट करने के लिए और हेल्थ को। तो जी आइए जी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हम इस टाइम लगभग बुलुस पर जाने के लिए निकल चुके हैं। शी इज माई फ्रेंड रेडी, हाउ आर यू? सो वी आर गोइंग टू कार फ्री डे। या व्हाट हैपेंड इन कार फ्री डे? यू गोना सी। ये भी ठीक है। सुबह सुबह के टाइम में ज़्यादा उठता नहीं हूँ, लेकिन जब भी उठता हूँ तो एक क्या कहते हैं कि जी ताजगी महसूस होती है इंडोनेशिया में। और सुबह सुबह के टाइम काफ़ी ठंड होती है इधर, तो बड़ा मज़ा आता जी सुबह सुबह के टाइम। तो ज़्यादातर मैं कोशिश यही आजकल कर रहा हूँ कि सुबह सुबह उठ के तो कहीं जाया जाए, कहीं वॉक पे और किसी भी एरिया में जो, यानी कि जो फेमस प्लेस है इंडोनेशिया के। इधर अक्सर लोग सुबह सुबह के टाइम उठते हैं और वॉक करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग हैं उधर, बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं, इतनी भीड़ होगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये सुबह का टाइम है अभी, कार फ्री डे स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए लोग, ये अभी कार फ्री डे नहीं है, वैसे ही लोग आ रहे हैं, लेकिन निकलते हुए कार फ्री डे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी जाएंगे। Election day, so we have like a silent, like a quiet week. So maybe we can just go to TBK to run. Oh, okay. ले जी कार फ्री डे नहीं था, तो ये कहीं इलेक्शन होने लगे इंडोनेशिया में, तो उस वजह से चलें जी हम अब GBK में जाएंगे, उधर जाके रनिंग करेंगे GBK स्टेडियम में। इस टाइम सीनियर वगैरह इलेक्शन है इंडोनेशिया में, तो उस वजह से कार फ्री डे उस तरह नहीं हो रहा, क्योंकि एक क्विट डे है एक हफ़्ता। तो 14 तारीख को इलेक्शन है जी इंडोनेशिया में, तो उस वजह से जनाब हर चीज़ें थोड़ी सी बंद पड़ी होती हैं। लोग वैसे भी जलसे वगैरह भी इनके हो रहे हैं, लेकिन स्टेडियम्स में जलसे वगैरह हो रहे हैं, तो इस वजह से भी है, ये भी एक वजह। तो जी लेकिन फिर भी हम GBK जाएंगे, उधर लोग काफ़ी ज़्यादा रनिंग वगैरह कर रहे थे, वो भी एक हिसाब का कार फ्री डे ही है, तो उधर भी कोई आपको कार वगैरह नज़र नहीं आती। चले वो आपको दिखाते हैं। वैसे तो जो ऑफिशियल कार फ्री डे जो सेंट्रल जकार्ता में होता है वो नहीं हो रहा जी इस दफ़ा, तो ये एक बात है, लेकिन फिर हम दोबारा जाएंगे इलेक्शन के बाद, तो फिर आपको दिखाएंगे, कोई बात नहीं। इन वाई कार फ्री डे इज़ नॉट हेयर, वाई कार फ्री डे इज़ नॉट हेयर। It's supposed to be a quiet week before the elections, so we'll see. Okay. So why you are not searching on Google before? I don't know. Hey, जी गाड़ी आ चुकी है, इस पर बैठ के जी हम जाने लगे हैं अब GBK स्टेडियम। उधर ही मेरे ख्याल से आज कोई इनका कोई जलसा वगैरह था अंदर। अभी मुझे पता लगा कि मेरे there's a coffee day or not? Yay, there's a coffee day. Oh, no, 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 there's no coffee day, unfortunately.
या देर इज नो कार फ्री डे, लेकिन फिर भी चलो लोग इधर आए हुए हैं, लेकिन गाड़ियाँ कम ही हैं। लोगों को पता नहीं था कि आज कार फ्री डे नहीं है, तो इस वजह से लोग भी आए हुए हैं इधर काफ़ी ज़्यादा। तो आपको दिखाते हैं जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और वैसे तो संडे या कार फ्री डे होना चाहिए था, लेकिन यह है कि क्या कहते हैं जी, वो इलेक्शंस के डेज हैं, इस वजह से भी कार फ्री डे नहीं हो रहा। नहीं फिर भी देखे कार्स कम ही हैं रोड्स के ऊपर, तो ये हिसाब है। और साइकिल्स पे हैं, लाइक साइकिल देखे जी, ये बच्चे बड़े कार फ्री डे के लिए आए थे, लेकिन कार फ्री डे तो ना मिल सका, लेकिन फिर भी देखे रोड पे आपको कोई नज़र तो नहीं आएंगी गाड़ियाँ वगैरह, ये एक अच्छी बात है, समझ लें कार फ्री डे ही चल रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है, देखें जी कैसे लोग बाहर निकलते हैं सुबह सुबह के टाइम, साइकिल देखें कितनी ज़्यादा चल रही हैं इधर, देख रहे हैं जी। अभी हम जीबी के स्टेडियम जा रहे हैं, उधर आज एक जलसा भी है किसी पार्टी का, बाकी बाहर की तरफ हम यानी कि दौड़ लगाएंगे, ज़रा वर्जिश करेंगे। हैं जी सारे इधर साइकिल्स खड़ी करके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये देखें मेरे ख्याल से ये भी कार फ्री डे के लिए आए थे, ये देखें साइकिल्स होल्ड की हुई हैं सब ने। मुझे साइकिल्स बहुत पसंद है, आपको पता कि मैं इंडोनेशिया में गाड़ियों और बाइक से ज़्यादा मैं साइकिल्स देखता हूँ कि साइकिल किसकी अच्छी है। ये भी इससे अच्छी साइकिल लग रही है, तो आपके भाई को साइकिल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं प्रेफर हमेशा साइकिल को करता हूँ, पता नहीं क्यों। बाइक्स भी ठीक है, ज़रूरत है कार्स भी, लेकिन साइकिल का जो मज़ा है ना वो किसी में भी नहीं है। ये देखें जी, देखें जी सुबह सुबह के टाइम जीबी के आ चुके हैं और ये काफ़ी लोग इधर रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम भी आ गए जी। ये देखें जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और ये इधर कोई वो चल रहा है क्या कहते हैं जी वो अमेरिकन खेल का क्या नाम है मुझे वो भूल गया, हाँ बेसबॉल, ये वो चल रहा है जी इसका इधर, इस टाइम मैच चल रहा है जी बेसबॉल का। आंटी जी जा रही है ना, ये तकरीबन इनकी एज होगी कोई 60 साल के करीब, तो देख लेंगे अभी आंटी जी। ये देखे कितने लोग इधर सुबह सुबह के टाइम कैसे दौड़े लगाते हैं, और इनकी आप फिजिक्स चेक करें, फिटनेस चेक करें, रिनी इज़ ऑल्सो वेरी फिट गर्ल, या रिनी योर सिग्नेचर स्माइल, कैन यू प्लीज सिग्नेचर स्माइल, मे भी मेरा फ्रेंड हसल देखेगा तो वो काफ़ी खुश होगा इस स्माइल से। देखें जी लोग इधर खड़े हैं, और सुकारनो दिस वन सुकारनो हाथों, ये देखें जी लोग गाड़ी फ्री डे स्टार्ट हो चुका है, और ये देखें जी इधर इंटरव्यू भी चल रहा है, मैं भी ये चाइनीज़ हैं तो चाइनीज़ इंटरव्यू इधर चल रहा है जी इस टाइम, और क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर गुजरा जी एक दिन पहले ही। ये देखें ये आपको थोड़ा गम नज़र आ रहा होगा कि मेरे ख्याल से कल परसों इधर जलसा हुआ है, तो ये इधर जलसा आज कल चलते हैं, और इधर से जलसे जो चलते हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं जी स्टेडियम में चलते हैं। यस रिरिन, आई थिंक प्राबो कैंपेन वाज यस्टरडे, या या नॉट टुडे प्राबो कैंपेन, नो 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 मे बी बिकॉज़ इट्स अ लॉट ऑफ रबिश, या या मे बी इस एरिया में आप कह सकते हैं जी कार फ्री डे ही चल रहा है, और इधर आवाम नहीं है बिल्कुल भी, ओ सॉरी आवाम है कार्स नहीं है बिल्कुल भी, साइकिल्स आपको नजर आएंगी, देख रहे हैं जी। ये पूरा आपको इस टाइम नज़र आ रहा होगा कार फ्री डे चल रहा है, लेकिन ये कि जो स्टेडियम है तो ये देखें जी आपको हर जगह इधर लोग ही लोग नज़र आएंगे, हर जगह देख रहे हैं कितनी आवाम है, सो मैनी पीपल आर हेयर इन दिस प्लेस।
देखें जी स्टेडियम वाले सब एंटर हो रहे हैं इस टाइम। जी आपका भाई इस टाइम आ चुका है अंदर और देखें जी आवाम देखें, इसको आप कह सकते हैं ज़रा कार फ्रीड है, इधर आपको आवाम ही आवाम नज़र आएगी हर जगह, आगे पीछे हर जगह आपको आवाम ही आवाम नज़र आएगी। देखें जी देख रहे हैं कितनी आवाम है जी, लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे हर जगह, आप कहीं भी नज़र घुमाएंगे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। ये देखें ये मेरी रिन भी सोच रही है क्या करूँ अब मैं। इस टाइम आपका भाई आ चुका है प्रॉपर दौर पे इधर और बड़ा मज़े की वाइब है जी इस टाइम इधर, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग इधर होंगे। पहले मैं आया था एक दफ़ा इधर लेकिन दोपहर का टाइम था, इतने खास लोग नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा इतने लोग इतनी आवाम, मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ जी कि इस कदर आवाम है इधर जी। इतनी आवाम कहाँ से आ गई है जी आज, मेरे ख्याल से लास्ट नाइट को इधर जलसा हुआ है तो उस वजह से जनाब, बाहर आपने देखा होगा कूड़ा वगैरह भी था उठा रहे थे, ये देखें इधर भी, वरना ये बहुत क्लीन होता है, ये वैसे क्लीन है, तो ये है कि जलसा वगैरह हुआ है, लेकिन ये देखें हर कोई इधर आ रहा है और जनाब फुल, मैं कहता हूँ ना कि इधर गोल चक्कर लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जी क्या कहते हैं जी, इनके जो स्टेडियम्स हैं मेरे ख्याल से हर स्टेडियम के बाहर सुबह सुबह लोग चक्कर लगाते हैं, और दोपहर के टाइम भी जैसे ही लोग कामों से अपने फारिग होते हैं तो स्टेडियम के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टेडियम्स के बाहर अकेडमीज़ वगैरह भी बनी होती है। मेरे ख्याल से इधर फुटबॉल अकेडमीज़ बहुत, फुटबॉल स्टेडियम है ये देखें, बहुत बड़ा स्टेडियम है ये, तो मेरे ख्याल से जी अकेडमीज़ वगैरह भी बनी होंगी फुटबॉल की। तो यह है कि जो स्टेडियम का हिस्सा होता है वो एक हर वर्जिश वाला हिस्सा होता है वॉक के लिए और हेल्दी हिस्सा, मैं कहता हूँ कि चारों तरफ एक हेल्दी वाइब, तो फिर लोग भी हेल्दी वाइब फैलाते हैं इधर पूरे हिस्से में। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये भी एक हिसाब का, मैं तो निकला तो वैसे सेंट्रल जकार्ता के लिए था कार फ्री डे पे, लेकिन ये था कि उधर आपको बताया कि जलसा, मैं आपको पहले भी बताया, तो आजकल सूरत हाल 14 को इलेक्शन है तो इस वजह से कार फ्री डे नहीं हो रहा, लेकिन इधर भी वाइब कार फ्री डे वाली ही है, उधर सेम वाइब इसी तरह की ही आती है उधर भी। तो ये देखें जी फुल कार फ्री डे वाला सीन आपको इधर आपको देखने को मिलेगा। से सातु दुआ तीगा ये देखा जी, अपनी कंपेन चला के जा रही है, ये अपनी ही यानी कि दौड़ में है, वो अपनी दौड़ में, ये अपनी दौड़ में है जी। मेरी फ्रेंड ने मुझे फारिग करा के इस रैली में घुस चुकी है, देख रहे हैं निकल गई जी वो आगे, आपका भाई रह गया पीछे। सातू दुआ तीगा कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं रनिंग इनको फॉलो करने के भी, मैं आपका भाई दरमियान में ही है इसके, मेरे दो कदम ही बहुत है, दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्या देखें जी अंकल जी की, आप चेक कर रहे हैं अंकल जी की क्या कहते हैं स्टेमिना चेक कर रहे हैं, और इसका भी स्टेमिना देख लें, ये देखें जी ये फूड कोर्ट है इधर लोग खा पी सकते हैं। नहीं जी पीछे रह गया आपका भाई, ओह माय गॉड मेरी सातू दुआ तीगा अम्पत करते, मेरी हालत बुरी हो चुकी है इस टाइम, और मैं आपको क्या बताऊं कि ओए होए बहुत स्टैमिना चाहिए जी इस चीज़ के लिए, अभी हमेशा दिख रहे हैं तीगा अम्पत सातू दुआ तीगा अम्पत। मैं कहता हूँ कि जितना स्टैमिना चाहिए ना इस चीज़ के लिए, मेरे अब्बा जी वाला ये स्टैमिना है, ओ माय गॉड। कोई नहीं आपका भाई भी चल पड़ा इस टाइम फिर से, काफ़ी दूर आ गए हैं वो। नहीं जी मेरी इस टाइम हालत हो चुकी है बहुत बुरी, और
मैं तो भाई वो देखे वो पीछे काफी दूर आ गया, मैं ना वो उधर से आएंगे तो फिर मैं ज्वाइन करूंगा, ये मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता इतनी तेज। ओए होए होए होए, इधर गिर गिरा गया मैं तो, कौन जिम्मेदार है? अपना मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। काफ़ी मैंने दौड़ लगाई है, 4-5 चक्कर लगाए हैं मैंने, लेकिन वीडियो में उस तरह नहीं मैंने दिखाया, लेकिन 4-5 गोल चक्कर आपके भाई ने लगाए हैं स्टेडियम के। स्टेडियम बहुत बड़ा जी है जी, लोग तो भाई नहीं रुकते, आपका भाई रुक गया। इंडोनेशियन लोगों के स्टेमिने को काटना ना बहुत मुश्किल है, तो लोग तो जनाब नहीं रुकते यार, लेकिन आपका भाई इस टाइम रुक चुका है और देख रहा है कि अब क्या करें। ओह होए, मुझे ना पानी पीने का दिल कर रहा था मेरा, तो ये है कि आसपास मुझे कोई नज़र नहीं आ रही कोई चीज़, मेरी दोस्त तो पता नहीं कहाँ निकल चुकी। मैं तो भाई इधर रुक गया हूँ, इधर से आएगी देखूँगा, अगर तो आ गई ठीक है, वरना फिर उसको ढूंढूंगा, लेकिन मुझे लगता है सामने से आ जाएगी। भाई बहुत मुश्किल है जी इनका स्टेमिना पार करना, ये नहीं रुकते, ये लगातार चक्कर लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं रुकते यार, ये नहीं रुकते भाई, बहुत स्टेमिना जी इनमें। आ गए हैं जी ये साधु दुबा तिगा वाले, अब पता नहीं है अभी वही एजेंसी थी इसके साथ हम मैं गया था, मेरी दोस्त थी, ये मुझे वो नहीं लग रहा है, वो आएंगे, वो स्टेडियम के प्रोफेशनल हैं रनर्स, तो वो आएंगे अभी। देर से ही मैं खड़ा हूँ इधर, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड नज़र नहीं आ रही, मुझे लगता है कि वो कहीं रुक गई है, उसका भी लगता है स्टैमिना टूट चुका है, और वो कहीं रुक के कुछ पी वगैरह रही होगी, और आपका भाई इधर उसका इंतज़ार कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई फिर भी वेट करेगा, तो अगर वो ना आई तो मुझे लगता है स्टारबक्स पे ना बैठी हो। ये छोटा बच्चा भी सैर का आ रहा है इस टाइम, कार फ्री डे पे ये अपनी गाड़ी चला रहा है, खैर उसके पेरेंट्स चला रहे हैं गाड़ी उसकी। ये देखें छोटे बच्चे भी देख रहे हैं आप आए हुए हैं, ये चाहिए स्टेमिना, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जहाँ बच्चे सोए होते हैं वहाँ कुछ बच्चे आए होते हैं जनाब अपनी अम्मियों के साथ, देख रहे हैं आप काफ़ी बच्चे, वो देखें दो रोनाल्डो भी मुझे नज़र आए हैं, देख रहे हैं इतनी भीड़ में दो रोनाल्डो, इन्होंने नाम रोशन करना जी इंडोनेशियन फुटबॉल टीम का। भाईजान ये देखें जी, ये बॉडी बिल्डर मुझे इंडोनेशिया का पहला नज़र आया इधर, देखें जी, ओए होए क्या बात है जी, मुझे लगता है कि मिस्टर इंडोनेशिया होगा, देख रहे हैं जी पहला मुझे नज़र आया, इससे पहले तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये है कि लोगों की इधर फिजीकें बहुत अच्छी हैं, लोग इधर यानी कि पूरा वॉक करते हैं और इनकी सेहतें बहुत अच्छी हैं। हेल्थ इज़ मेन थिंग इन योर लाइफ, एंड इफ़ यू वांट टू डू इन योर लाइफ सो यू शुड बी परस्यू योर लाइफ इन हेल्दी वे, सो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि वॉक किया करें, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। देखें जी इस बंदे ने तो शर्ट ही उतार लिया, ये देखें है ना जी, जगह पे खड़ा हूँ ना, इधर मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि अक्सर लोग इधर आते हैं और इस पॉइंट पे आके ऐसे ऐसे करते हैं, मैं काफ़ी देर से, मैंने कहा शायद मेरा ये कोई वहम है क्या है, तो बाद में मैंने जब नोट किया कि ये जो एरिया ये मेरा से स्टार्टअप है, तो ये यानी कि जब इनका एक चक्कर पूरा हो जाता है ये, यानी कि ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, बस खुद ही इसे ऐसे करते हैं मेरे ख्याल से, यानी कि ऊपर हाथ करके इस तरह करते हैं, तो यानी कि जब इनका एक चक्कर मेरे ख्याल से कम्प्लीट होता है तो फिर ये इस तरह करते हैं, मुझे ये स्टार्टिंग पॉइंट है रनिंग का। कुछ तो नहीं आई, मैंने कहा चले इधर बैठ के कुछ खाते हैं, तो मियाँ यहाँ आपका भाई खाने लगा, लेकिन ये लोग इधर बैठ के खा रहे हैं, बड़ा मज़े का सीन है जी इधर। अब गुब्बारे देख रहे हैं, ये इलेक्शन के गुब्बारे हैं, इधर आपको बताया लास्ट नाइट इधर जी जलसा हुआ है, तो ये इलेक्शन के गुब्बारे हैं जी, ये इनकी कंपेन है जी। ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सुबह सुबह के टाइम उठिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखें, उठें सुबह सुबह के टाइम, कहीं भी आप रहते हैं पूरी दुनिया में सुबह के टाइम में भी कार फ्री डे ही होता है हर किसी का, तो आपने देखा कितना मज़े का सीन था इधर, लेकिन मैंने तो आज सेंट्रल जकार्ता जाना था, उधर तो वाकई किस्म का जो कहते हैं ना प्रॉपर किस्म का कार फ्री डे था, लेकिन इलेक्शन की वजह से ना हो पाया, लेकिन ये भी एक हिसाब का कार फ्री डे ही है, तो सुबह उठें अपनी सेहत का ख्याल रखें, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको पता उसके बाद क्या होगा, आप फिर नहीं रह पाएंगे इस दुनिया में मजाक कर रहा हूँ, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठें और वॉक के लिए निकलें, कम से कम तकरीबन 1 घंटा वॉक करें सुबह टाइम उठ के, सिर्फ 1 घंटा तो रोज़ करें,
सुबह के टाइम उठ के एक घंटा लाजमी वॉक करें और अपनी सेहत को तेज़ करें, ठीक है जी। ओके जी, अब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो अपनी दोस्त का वेट कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं है, ये देखें मेरे पीछे मज़े का सीन चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक वो आई नहीं है, मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आती है तो फिर जी हम निकलते हैं। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।